बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, नहायत अफसोस की ख़बर यह है कि पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट और पहले ARY के अंदर काफ़ी अर्सा काम करते रहे, हाल ही में उन्होंने BOL TV न्यूज़ को ज्वाइन किया था। अरशद शरीफ को नैरोबी में स्नैपर से शूट करके कत्ल करवा दिया गया। ये कत्ल जो था इसका अंदेशा काफ़ी अरसे से था, इनकी जान को ख़तरा था। उन्होंने कई दफ़ा जिक्र भी किया कि मेरे सर की हेड मनी जो सी है वो दी जा चुकी है, और वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में छुपते हुए फिर रहे थे और अपना जो जर्नलिज्म का काम था वो कर रहे थे मुसलसल। और इनको उन्होंने जो इनके पीछे लगे हुए थे, उन्होंने नैरोबी में इनको केन्या नैरोबी में इनको शूट करके कत्ल कर दिया। नहायत अफसोसनाक बात है। ये 1973 में ये पैदा हुए कराची में, और 49 की एज के अंदर थे। वो एक ऐसे तहकीक पे काम कर रहे थे जिसका नाम था कि बिहाइंड द क्लोज डोर। बिहाइंड द क्लोज डोर ये वो चीज़ें होती हैं जो हुकूमतें या हुकूमत में जो हुकूमत करने वाले या इस्टेब्लिशमेंट या लोग वो काम कर रहे होते हैं जो लोगों की आंखों से उजल होता है। लोग कुछ समझ रहे होते हैं और पीछे से बैक डोर पे कुछ से कुछ हो चुका होता है। तो ये उस बात पे काम कर रहे थे, और ये एक मशहूर बुक के ऊपर भी ये है, और फिर उसके ऊपर बहुत सारे और किताबें भी बन रही हैं, इस किस्म बनी हैं जो मिलियंस में किताबें फरोख्त हुई हैं। ये इसी किस्म का काम हमेशा ही करते रहे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थे, ये दिलेर आदमी थे और दिलेरी से ये काम करते थे। और इन्होंने कई राज नवाज शरीफ के और उसकी फैमिली के निकाले कि इन्होंने पाकिस्तान को से पैसा कैसे निकाला। यही इनकी सबसे बड़ा गुनाह था और ज़्यादा गलती थी कि इन्होंने इसके ऊपर खूब तहकीकात की और कई राज जो से वो निकाल के लेके आए, क्योंकि अब जो जिस पे बेस पे वो काम कर रहे थे, जो अभी तक सामने आई है कि बिहाइंड द क्लोज डोर के ऊपर जो काम कर रहे थे, ये अब तकरीबन मुकम्मल होने वाला ही था। और उससे पहले कि ये इसको पेश करते कहीं लेके आते किसी ऐसे यूरोपियन ममालिक में ये शो कर देते, उससे पहले पहले इनको ख़त्म करवा दिया गया। पहले खबर ये आई कि इनका एक्सीडेंट हो गया, खबर जो सी उसको गोल मोल किया गया कि, लेकिन इससे पहले ही इनकी बेगम का भी ट्वीट आ गया था और जवेरिया सिद्दीकी साहबा का, और भी इजराइल से मालूमात हो गई थी कि केन्या से भी इतलाई आ गई थी कि इनको शूट किया गया। और शूट करने की वजूहत जो थी हैं वो सबको सामने हैं। नहायत तकलीफदेह बात है। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनकी मफ़रत करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनके वर्सा के गम में बराबर के शरीक हैं। उनके जर्नलिज्म में कैसा किरदार था, अच्छे थे बुरे थे, अब उनका मामला अल्लाह ताला की तरफ। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग उनसे मुखालफत भी करते थे, तो अब इख्तलाफ हमने भी किया इनसे, लेकिन ये जो बात है जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं था। ये सबके नज़रों के सामने है, और वो लोग जितने मर्जी कत्ल करवा लें, जितने मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सामने आई जाती है एक न एक दिन। तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और उनका जनाजा अभी तक जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सका, क्योंकि तो कल कई वाक़ आई है। अब यहाँ 24 तारीख हो गई है, ये 23 तारीख को इनका मर्डर हुआ वहाँ पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबको पता है कि केन्या में इन्वेस्टिगेशन किस किस्म की होती है। इनको टारगेट करके मारा गया कि ऐसी जगह पे मारा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। यूरोप में अमेरिका का वाक़ होता तो शायद वो लोग पकड़े भी जाते, लेकिन अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये सियासत ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बुरे हाल में हैं। इमरान खान साहब को जब से नाअहल करार दिया है, लोग सड़कों पे हैं। और ये एक और वाक़या ऐसा हुआ है जिससे नजर ये आता है कि ये हुकूमत जो सी है अपने रास्ते से लोगों को कैसे हटाती है, और वो सामने आ रहा है कि किसने मरवाया, एजेंसीज का नाम है या किसका नाम है या हुकूमत का नाम है। क्योंकि जो इन्होंने काम शुरू किया था वो तो शरीफ बरादरान की जो करप्शन है उसके ऊपर काम शुरू किया था, और आप जिधर से भी जाएंगे तो वो कहते हैं खुरा उस तरफ को ही जाता है। जिस तरह से जरदारी साहब के ऊपर खुरा जाता है बेनज़ीर के कत्ल का, इसी तरीके से इसका खुरा भी जो आप देखेंगे कि इनकी तरफ ही जाएगा और कत्ल करने वाले एक ना एक दिन बेनकाब जरूर होते हैं। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Now